हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रिय, प्रभु के दिए हुए आज की सुबह में, आज की भोर में, आज की सवेरा में प्रभु के हजूरी में चले और प्रभु से बातें करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो, अस्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अस्तुति हो, 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 अस्तुति हो। धन्यवाद करते अनुग्रहकारी दयालु कृपयालु अति करुणामय अति समर्थी सर्वशक्तिमान अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने पूरे रात्रि अपने पना में हमें और हमारे परिवारों को सुलाए हैं प्रभु जी, और एक और नए दिन में लेकर आए हैं, एक और सुबह का प्रकाश, भोर का किरण, सवेरा का उज्याला हमारे जीवन में उदय किए हैं। इसके लिए प्रभु जी लाखों लाख कोटि कोटि आपको हम धन्यवाद देते हैं। तहे दिल से प्रभु जी, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ आपका आदर सम्मान भी करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके बनाए हुए, हमारे जीवन में जुड़े हुए आज के दिन के इस, हाँ आज के दिन के इस सुंदर समय में, सुंदर वक्त में आपके संगति में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए हैं। कृपा करके प्रभु, प्रभुता कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कर आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन बना दे, अनुग्रह कर आज का दिन हमारे लिए सफलता का दिन बना दे, अनुग्रह कर प्रभु जी आज का दिन सुख शांति चैन हर्ष उमंग का दिन तू हमारे लिए बना दे। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी। आज के पूरा दिन प्रभु जी आपको अपने निकट चाहते हैं, अपने जीवन के हर एक मोड़ पर चाहते हैं, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में चाहते हैं। सहायता कीजिए लॉर्ड जीसस। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु जी आपके दिए हुए आज के दिन के पहला समय आपके हजूरी में बिताते हैं, आपसे बातें करने में। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आज का पूरा दिन प्रभु जी आप पे हमें दीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, सहायता कीजिए। हाँ आज का पूरा दिन प्रभु जी आप हमारे पास रहे, समीप रहे प्रभु जी, इसके लिए विनती करते हैं, सहायता कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जिसको जो कुछ की जरूरत है, आवश्यकता है, अद्भुत रीति से पूरा कीजिए मेरे प्रिय। इब्रानियों, हाँ इब्रानियों 10:17 में लिखा है कि फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये कौन बोलता है? प्रभु। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया, हम सब के सब पापी थे,
उस स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़कर के जगत में आया कि हम अपने मन को सब प्रकार के पाप की ओर से, अधर्म की ओर से, दुष्टता के काम की ओर से, बुराई की ओर से उसकी ओर फिराए और ना सोने से बचे। हाँ, हम फिराएंगे तो ना सोने से बचेंगे, लेकिन फिर से उसमें नहीं पड़ना है, पाप में, बुराई में, दुष्टता के काम में, अधर्म के काम में, शरीर और संसार की अभिलाषा में नहीं फंसना है, नहीं पड़ना है, नहीं पड़ेंगे तो प्रभु की ओर से आशीषित रहेंगे। हम प्रभु की ओर अपने मन को फिराते हैं तो प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। हम जो दुष्टता के काम किए हैं, अधर्म के काम किए हैं उसके लिए हमें वो माफ़ी दे देता है। और इसमें लिखा है कि कभी याद भी नहीं रखता हम कभी पाप किए थे, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह किए थे, वो हमारे पापों को फिर याद भी नहीं रखता, स्मरण नहीं करता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमें भी चाहिए कि हम फिर से पाप ना करें, फिर से गुनाह ना करें, फिर से अधर्म के काम ना करें। परमेश्वर हमारे किए हुए पापों को, अधर्म के कामों को भूल जाता है, तो हमें भी फिर से पाप नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के पास बहुत से रोगी आए, उन लोगों को चंगा करता था, लेकिन बोलता था फिर से पाप मत करना। हालेलुया, प्रभु जीवन दिए हैं, फिर से प्रभु के दिए हुए जीवन को नाश की ओर नहीं ले जाना है, पाप करके, गुनाह करके, अधर्म के काम करके नाश की ओर नहीं ले जाना है, नहीं ले जाएंगे। प्रभु हमेशा के लिए हमारे गलती, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को भूल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारे गलती अपराधों को याद नहीं रखता। प्रभु जीवन दिया है तो प्रभु के साथ जीवन जीना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें। लिखा है इब्रानियों 10:17 में लिखा है, फिर वह यह कहता है, यानी कि प्रभु यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके धर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा। जो कोई पाप की ओर से प्रभु की ओर अपने मन को फिराते हैं, प्रभु के साथ जीते हैं, उनके पापों को, उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को प्रभु क्षमा कर देता है और भूल भी जाता है कि कौन सा पाप, कौन सा गुनाह वो किए थे। हालेलुया, तो फिर से हमें भी चाहिए कि हम पाप में ना पड़े, बल्कि प्रभु के साथ हम नए जीवन को जिए और बिताए, ताकि प्रभु की ओर से ब्लेस रहे, आशीषित रहे, बरकत से भरे रहे। हाँ, बरकत से भरे रहे। जब भी जो कुछ की जरूरत हमें हो, प्रभु की ओर से हमें मिलती रहे। जब भी हम प्रभु को पुकारे, प्रभु हमारी सुने और उत्तर भी दें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के साथ हैं, जीवन को जिएंगे, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन, कठिन, मुश्किल, असंभव नहीं रह जाएगा। दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, ऊंचे पर बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं कृपयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी दयालु कृपयालु, अति करुणामय, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आज की भोर में जो कोई जो कुछ के लिए आपके सामने घुटना टेकें, आपके आगे अपने हाथों को फैलाएं प्रभु जी, सबों का घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल होने पाए। अनुग्रह करना आज का दिन सबों के लिए सफलता का हो, उन्नति का हो। आज सबों का बिगड़ी बन जाए, बंद काम स्टार्ट हो,
बंद सैलरिया से फांसे हुआ पैसा मिल जाए, केश मुकदमा हर एक के दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, रोग बीमारी खत्म हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे होकर के घर आने पाए, सहायता मदद कीजिए, रोग बीमारी शैतान से छुटकारा मिलने पाए, हर एक शक्ति से दिक्कत परेशानी से चिंता टेंशन डिप्रेशन तनाव से दर्द पीड़ा से छुटकारा मिलने पाए, सहायता मदद कीजिए। आज ये भाई ये बहन जो भी करे उसमें सफलता को पाए, जहाँ भी जाए प्रभु जी सफलता मिले प्रभु, ताकि आपके नाम की से जयकार करते हुए घर आए, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति हो प्रभु जी। एक एक बच्चा को नौजवान बड़े बुजुर्ग को आपके हाथों में देते हैं, एक एक को संभालिए प्रभु यीशु मसीह। पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी आशीष दीजिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो स्टडी करते उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित कीजिए। पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर अपने लोगों को ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में चला, सबों को प्रभु जी ऊँचे पर नियुक्त कर। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो कि आप पे हमारे सुने ग्रहण किए स्वीकार किए और उत्तर भी हाँ आमीन में दिए, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, कमेंट के जरिए भेजें, सबों की प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी से आपके हजूरी में हम रखते हैं, ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, सबों को ब्लेस कीजिए, सबों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी आनंद आनंद हर्ष उमंग दीजिए, बड़ा बड़ा काम कीजिए। आज सबों को नई नई आशीषें दे, गुड न्यूज दे। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना भी है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको और आपके पूरी फैमिली को आज के पूरे दिन अपने पन्ना में रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरी नाम में जय मसीह।